हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। व्यू स्टार्ट। मारुति सुजुकी ने अपनी मिनी एसयूवी कही जाने वाली कार इग्निस के 2018 मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया है, जिसके कारण कंपनी इग्निस पर 1,00,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी दे रही है। खबरों के मुताबिक इग्निस को कंपनी दोबारा से मेकओवर के साथ लॉन्च करना चाहती है, जिसके कारण इसके पुराने मॉडल पर रोक लगा दी गई है। नेक्सा डीलरों के जरिए इग्निस पिछले 2 सालों से बाजार में सेल हो रही है। हालांकि कार कंपनी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। बीते कुछ महीनों से इग्निस की मात्र 2500 यूनिट ही औसतन सेल हो रही है। 2019 की इग्निस में नया बम्पर डिजाइन, अलॉय व्हील्स और नए एलईडी प्रोजेक्ट हैंडलैम्प दिए जा सकते हैं। साथ ही इसके इंटीरियर में भी बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं इसमें टच स्क्रीन वाला स्मार्ट प्ले इन्फोटमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जो वेगनार और बलेनो में दिया गया है। मारुति सुजुकी का 1.2 लीटर से 12 सीरीज के पेट्रोल इंजन से 84.3 PS की ताकत और 113 Nm तक टॉर्क पैदा करता है। वहीं पहले इसका डीजल इंजन भी आता है, जिसे कम मांग के चलते बंद कर दिया गया। इसका 1.3 लीटर का DDIS 190 डीजल इंजन 74 हॉर्स पावर की ताकत और 190 Nm तक टॉर्क देता है। इन दोनों ही इंजन को 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन से जोड़ा गया था।